जब भी मार्केट करेक्ट होता है ना दोस्त, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ जो आपके लिए और हमारे लिए हो जाती है वो हो जाती है पेशेंस। बट यही चीज़ है जो किसी के पास नहीं रहती। जानेंगे हम आज की इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्टर्ब करती है हमारे पेशेंस को, क्या साइकोलॉजी होती है, कैसे मैं एक इक्विटी शेयर मार्केट को आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़ने वाला हूँ, और कैसे आप समझेंगे कि आप अपने इस पेशेंस को जो कि है बहुत ही कम मेंटेन कर पाओगे। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीएफपी, और अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो शेयर मार्केट में बाकी कुछ हो नहीं, आप पेशेंस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के दिन पैसा कमाने के लिए, चाहे शेयर मार्केट हो चाहे लाइफ की कोई भी चीज हो, आप वो चीज जरूर समझ लोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। शेयर मार्केट क्या है अब ये समझते हैं। हम है शेयर मार्केट के इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को मैं एक बार अपन समझते, एक डॉग है, डॉग का जो मालिक है वो है हम, डॉग है शेयर मार्केट। जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, हम क्या कहते हैं कि जो डॉग है वो बड़ा ही वफादार है, मतलब डॉग से ज्यादा वफादार पेट हमारी लाइफ में कोई और नहीं है, मतलब इससे ज्यादा वफादार कोई नहीं है। इन्वेस्टर बोलता है मेरे लिए, मेरे रिटर्न के लिए शेयर मार्केट से ज्यादा वफादार कुछ भी नहीं है। जैसे ही डॉग को ले जाते हैं बाहर, हम वॉक कराने, नॉर्मल इवनिंग कैजुअल वॉक कराने, होता क्या है, डॉग को आती है कुछ खुशबू, वो इधर उधर भागने लगता है। हमारे कंट्रोल में है, वफादार है, बट जैसे ही कुछ खुशबू आई इधर उधर भागने लगता है। हम है इन्वेस्टर, जैसे ही शेयर मार्केट हमारे डॉग को कुछ न्यूज मिली वो नीचे कूदने लगता है और हमें दिक्कतें देने लगता है। लेकिन इवेंचुअली शेयर मार्केट भी वफादार है, डॉग भी वफादार है। फिर क्या होता है, जैसे ही हमारे डॉग को तीन चार साथी मिल जाए, फिर एक बार डॉग आपकी बात सुनना बंद कर देता है, आप वापस घर जाते, तो वो घर वापस आता है। घर क्या है डॉग के लिए, उसका जहां पे वो रहता है वहां पे वापस आता है। बट इवेंचुअली जैसे उसके तीन चार साथी, तीन चार कुत्ते मिल जाते हैं, डॉग्स मिल जाते हैं, वो उधर इन्वॉल्व हो जाता है। शेयर मार्केट जो कि हमारा डॉग है, जैसे ही इसको एक्सटर्नल न्यूज आती है कि यूएस की इकोनॉमी खराब है, इटली में लॉकडाउन हो गया, इटली में दिक्कत है, चाइना से वायरस आया, एक बार दिक्कत आ जाती है। क्या ये लॉन्ग टर्म रहने वाली है, क्या 10 साल तक ये दिक्कत रहने वाली है, नहीं। 5 साल तक रहने वाली है, नहीं। 2 साल तक रहने वाली है, नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए ये वफादारी छोड़ देता है, वफादारी छोड़ देता है, इन द सेंस मतलब इधर उधर स्ट्रे करना स्टार्ट करता है डॉग, और शेयर मार्केट नीचे ठक 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 टूटना स्टार्ट। इवेंचुअली मैं घर आ जाता हूं, डॉग पीछे पीछे मेरे घर आ जाता है। देखिए बॉस, इंडिया वर्ल्ड की वन ऑफ दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और इसका कारण ये है कि वर्ल्ड के 50% से ज्यादा बच्चे इंडिया में हमारे पास है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग वर्ल्ड के वन ऑफ दी मोस्ट यंगेस्ट नेशन है। बच्चों से ज्यादा खर्चे किसी चीज पे नहीं होते। जितने जब हम गोल प्लानिंग भी करते हैं, जो मेजॉरिटी खर्चा होता है आपका, सब कुछ बच्चों से लिंक्ड होता है। खर्चा किसी का, किसी की इनकम होती है। जिस इकोनॉमी में जितना ज्यादा खर्चा उस इकोनॉमी में इतनी ज्यादा इनकम। घर में एक बार आप डिवाइड करके देखिएगा, एक साइड आपने 35 से नीचे के लोगों को रखिएगा, एक साइड 35 के ऊपर के लोगों को रखिएगा। वेल्थ किसके पास ज्यादा होगी, पैसा किसके पास ज्यादा होगा, मनी किसके पास ज्यादा होगा, जिसकी एज 35 से ज्यादा होगी। और महंगा मोबाइल फोन किसके पास होगा, जिसकी एज 30 से कम होगी। मतलब जो बच्चे होते हैं वो खर्चा करते हैं, वर्ल्ड के 50% ज्यादा बच्चे इंडिया में है जो खर्चा, मतलब हद तोड़ खर्चा करते हैं। जो खर्चा होता है वो किसी की इनकम होता है। कोई भी इकोनॉमी कितनी डेवलप होगी इस चीज से पता चलता है कि उस इकोनॉमी में कितना खर्चा हो रहा है। और इंडिया में आने वाले समय में खर्चा, आप खुद बताइए कि आपका खर्चा बढ़ने वाला है अगले साल, हाँ। तो इंडिया ऐसी इकोनॉमी है जिसमें बच्चे बहुत है। हमारे गोल प्लानिंग में भी मेजॉरिटी गोल्स बच्चों से रिलेटेड होते हैं, जो बहुत खर्चा करते हैं। इवेंचुअली होने वाला है खर्चा, इवेंचुअली हम इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे ही कुत्ता वफादार होता है, डॉग वफादार होता है, वो हमारे पीछे पीछे वापस घर आ जाता है, वैसे इंडियन इकोनॉमी अभी फॉरेन इकोनॉमी, फॉरेन चीजों से इंपैक्ट हुई है, इवेंचुअली स्टेबलाइज हो जाएगी। जो इंडियन इकोनॉमी है वापस से ग्रो करनी स्टार्ट होगी। अगर इकोनॉमी खराब हो गई, इकोनॉमी खत्म हो गई, इकोनॉमी ही नहीं चलने वाली, तो फिर आप और हम क्या करेंगे, फिर तो खैर कुछ भी नहीं हो रहा। बट जैसे ही इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, जो होगी विद इन 1 ईयर मैक्सिमम, 1 से 1.5 साल में इकोनॉमी स्टेबलाइज होगी, तो इकोनॉमी चलनी स्टार्ट होगी, तो जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है, जो आपका वफादार इन्वेस्टमेंट्स है, जो आपका वफादार डॉग है, जो आपका वफादार इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है, वो रिटर्न्स, पुराने जो लॉस हुए ना सर, उसको भी कवर कर करके रिटर्न्स देगा, और इतने ज्यादा देगा कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो पेशेंस रखना तो जरूरी है। जब भी इक्विटी शेयर मार्केट क्रैश होता है ना, मैं हमेशा ये बात बोलता हूं, हम ये समझते हैं कि आज से पहले जो भी क्रैश हुए थे वो एक अपॉर्चुनिटी थी इन्वेस्ट करने की, पर जो अभी क्रैश हुआ है ना, बस ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है सर, जब 30% कोई चीज सस्ती मिल रही है तो वो अपॉर्चुनिटी तो है। हम यूज करें या ना करें वो आपके ऊपर है। हम ये बोलना बंद करिए कि बस दिस टाइम इट्स डिफरेंट, ये बार की जो अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी नहीं है।
हर बार की अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी थी। हिस्ट्री में जब जब करेक्शन हुआ आज तक, आप भी अपने बच्चों को समझाते हो, जब 2008 में करेक्शन हुआ वो एक अपॉर्चुनिटी थी, आज भी एक अपॉर्चुनिटी है, आज भी करेक्शन है। इन्वेस्ट आप करते हो नहीं करते, ये आपका ऑप्शन है। पैसा आप बनाते हो नहीं बनाते, ये आपका ऑप्शन है। 30% नीचे जब भी कोई मार्केट चल रहा होता है, रिटर्न्स आ रहे होते हैं, आप और हम इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं। 15% रिटर्न देख के तो हम साइड भी डबल नहीं, 4 गुना 5 गुना ले यार, तो तेरा दिल खुश होना चाहिए। पर जब एक्चुअली सस्ता हो रहा है मार्केट, जब हमें सारी चीजें सस्ती मिल रही है, अब हम डर रहे हैं। अगर अभी हमने किसी ने भी इन्वेस्ट किया, आने वाले 3 से 5 सालों में वर्ल्ड टूर तो होगा ही, घर में इतना पैसा आएगा कि घर में रखने को नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, जो वैल्यूएशन है आज के दिन पे 11-12-13 पी, मतलब हम अगेन वापस डिस्कस करते हैं, बैक टू बैक डिस्कस कर रहे हैं, वापस शॉर्ट में समझाते हैं, 1 रुपए कमाने के लिए कितना रुपए देना पड़ रहा है। यूजुअली पिछले 2-3 साल से पी 1 रुपए कमाने के लिए हमें 20 से 30 रुपए देने पड़ रहे थे, अब वही 1 रुपए कमाने के लिए हमें सिर्फ 11-12-13-14 रुपए देने पड़ रहे हैं। हर फंड्स पे अलग है, हर स्टॉक्स पे अलग है, और हम डर रहे हैं। मतलब जब सस्ता हो गया तो हमें खुशी होनी चाहिए, उल्टा दुख हो रहे हैं। हमारे सामने पैसे बनाने की एक जर्नी आने वाली है और आ रही है। इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं या स्पेक्टेटर बनना चाह रहे हैं, चॉइस आपकी है। एक चीज ध्यान रखिएगा, नो न्यूज जैसे हिस्ट्री में बोलते आए इज अ गुड न्यूज। हिस्ट्री में हमेशा बोलते हैं, आज से 5 साल पहले भी ये बोलते थे, आज भी ये बोल रहे हैं। न्यूज चैनल देखेंगे, इमोशन आएगा और हम बेचने की तरफ भागेंगे, चॉइस आपकी है। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। शेयर मार्केट डेली सुबह ब्रश बाद में करते हो, पहले शेयर मार्केट देखते हो, सर क्या हो रहा है, सर इन्वेस्ट आपने 10 साल के लिए किया था, प्रोवाइडेड मेरे को हर साल एफडी का जैसे रिटर्न्स बढ़ता रहे। अगर आप चाहते हो जैसे एफडी की वॉलिटिलिटी बिल्कुल नहीं होती, वैसी वॉलिटिलिटी तो रिटर्न भी आपको वही घिसे पिटे 4-5% आएंगे। अगर आप चाहते हो 10-12-15% का रिटर्न, तो थोड़ा पेशेंस तो बनता है। आज पेशेंस नहीं रखा तो कल क्या पैसा बनेगा, शायद नहीं। आज पेशेंस तो रखना पड़ेगा सर। इनिशियली हम लोग कोटा से दिल्ली जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं सर, ट्रेन में बैठे, ट्रेन छोड़ो सर, हम दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट लिए, फ्लाइट में बीच में कूद जाओगे तो क्या होगा, जर्नी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। जब इन्वेस्टमेंट करने आए थे 5 साल के लिए आए थे, आज अगर आपने जर्नी पूरी नहीं की तो लॉस खा के जाओगे और आगे बोलोगे भी सही, कभी इन्वेस्ट नहीं करना सर, शेयर मार्केट तो सट्टा होता है। चॉइस आपकी है, आप वापस मुंबई पहुंचना चाहते हो, शानदार रिटर्न्स लेके जाना चाहते हो, या बीच में जयपुर में कूदना चाहते हो पैराशूट लेके, भगवान जाने क्या होने वाला है, वैसा करके कोटा से दिल्ली की जर्नी है, बीच में आप उतर गए और बोल रहे मैं दिल्ली नहीं पहुंचा। अरे दिल्ली कैसे पूछोगे सर, ट्रेन में बैठे थे आप 5 साल के लिए, बैठे थे आप 6 घंटे के लिए, उतर गए 2 घंटे में, कैसे पहुंचोगे, चॉइस आपकी है। इसमें एक बात होती है, जब भी घर में हमारी हमेशा माँ बोलती है कि यार मेरा बेटा बढ़ नहीं रहा, बड़ा ही नहीं होता, 13 साल का हो गया बड़ा ही नहीं। ऐसा ही एक घर था, उसमें उसकी माँ हमेशा अपने बेटे को बोलती थी 13 साल का हो गया बड़ी नहीं रहा, कॉम्प्लान देती थी, बोनविटा देती थी, चांद प्राश कराती थी कि भाई बड़े बेटा। अचानक एक मामा यूएस से आए 11 साल बाद, घर के अंदर आए, अपनी बहन से मिले, बात बात करी, जैसी बात करी बोला यार मेरा भांजा कहाँ है, मामा के लिए भांजा होता है बहुत प्रिय, बोला मेरा भांजा कहाँ है, भांजे को बुलाया जो उसको रस्ते में मिला भी थे बट वो पहचान नहीं पाए। जैसी भांजे को देखा पहला रिएक्शन क्या आया, और इतना बड़ा हो गया सर, जैसे भांजा बड़ा हुआ, अगर आप डेली देखोगे अपना पोर्टफोलियो आपको लगेगा ही नहीं कि बड़ा, आपको छोड़ना पड़ेगा पोर्टफोलियो को। जैसे 11 साल बाद देखा तो भांजा बड़ा हुआ, इधर आप कम से कम 3-4-5 साल छोड़ दो सही अपने पोर्टफोलियो को। डेली स्टॉक देखने से, डेली न्यूज देखने से, डेली पोर्टफोलियो देखने से ना आपको कुछ फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ आप अपना खून जला रहे हो, इमोशनली अटैच हो रहे हो, प्रॉफिट आ गया तो बहुत खुश हो जाते हो, लॉस आ गया तो दुखी हो जाते हो सर, जबकि ये नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस है। चॉइस आपकी है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है, लॉन्ग टर्म की वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में जाना है, या बीच में दिल्ली से मुंबई के बीच में जयपुर में कूद जाना है फ्लाइट से, ऑप्शन आपके पास है। मेरा नाम था अनंत लड्डा, इंपॉर्टेंट डिस्कशन था, अपने दोस्तों के साथ स्पेशली फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना। अगर आपने ये वीडियो शेयर नहीं किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पेशेंस रखने की बात रह जाएगी। मैं हमारे सारे वीडियोस को बहुत सिंपल रखता हूँ, कोई टेक्निकल बात नहीं करता, ताकि हर कोई बड़ी इजी लैंग्वेज में समझ सके, इजी लाइफ के एग्जांपल से हम समझ के अप्लाई कर सके। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन क्लिक नहीं किया, तो ऐसा ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो छूट जाएगा। वीडियो शेयर करना प्लीज, इस वीडियो को शेयर करना, और अगर चाहते हो हमसे कनेक्ट होता, हम चाहते हो कि हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज करें, तो डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर और हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, साथ ही साथ वेबसाइट भी दे रखी है, कनेक्ट हो जाइए और हमारी सर्विसेज यूज कीजिए। आज के दिन हम इंडिया में कहीं पे भी, बल्कि वर्ल्ड में कहीं पे भी, आपका पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए बहुत ही केपेबल है, और हम सब कुछ ऑनलाइन होगा, कोई डिस्टेंस का कोई फर्क आपके लिए और हमारे लिए नहीं आने वाला। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।